हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीड्स गैलरी। आज हम रिव्यू करने वाले हैं बोल्ट कर्व हेडफोन का ब्लूटूथ हेडसेट। मैंने इसको फ्लिपकार्ट से जून 2020 में ख़रीदा था 999 के प्राइस में। तब से मैं इसको लगभग डेली यूज़ कर रहा हूँ। मेरे को अभी तक इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आया है और ये बैटरी बैकअप देता है ऑलमोस्ट 2 डेज़। इतना बुरा भी नहीं है बैकअप और अच्छा भी नहीं है, बट 2 डेज़ तक आ जाता है। बट मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा कि मैं इस पे सॉन्ग्स बहुत कम सुनता हूँ और इट इज़ ओनली फॉर कॉलिंग पर्पस। तो ये बैटरी अच्छा आता है और इसको चार्ज होने में लगभग 2 घंटा लगता है। यहाँ पे इसको चार्जिंग के लिए दिया हुआ है और इसमें एक एलईडी लाइट भी आता है, आपको दिखा सकता हूँ मैं ऑन करके इंडिकेटर। इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये अपने आप ऑन हो जाएगा। एक इधर क्या, ये लाइट इधर हो गया। अभी ये अपने आप सर्च करेगा ब्लूटूथ के लिए, जो जो नॉर्मल जैसा होता है वैसा ही है। इसका अगर अभी मतलब अभी आप सोच रहे होंगे कि इसको लेना वर्थ है या नहीं, 999 लगभग उसको इन्वेस्ट करना सही है या नहीं, तो मैं कहना चाहूँगा कि 999 के इस हिसाब से बहुत ही अच्छा हेडफोन है। क्वालिटी इसका अच्छा है, उसका साउंड क्वालिटी अच्छा है। थोड़ा सा बैटरी बैकअप कम है, पर मैं इसके पहले एक सैमसंग का लेवल यूज़ कर रहा था जिसका बैटरी बैकअप, वाइब्रेशन वगैरह सब अच्छा था, क्वालिटी अच्छा था, पर जो उसका हेडफोन्स है वो इधर से टूट जाता है, इधर से, ये देख सकते हैं इधर से। और ये मेरे मेरे अकेले का नहीं, बहुत लोगों का ऐसा ही हो गया है कि विद इन 1 ईयर ऑफ यूज़, 6 महीने 5 महीने में इसके हेडफोन अलग हो जाएगा वायर से। तो वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसके हिसाब से ये बहुत अच्छा है। 1 साल के लिए 1000 रुपीज़, और भी चल रहा है मेरा अच्छे से, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको ले सकते हैं और आप इसको लेके पछताएंगे नहीं। थैंक यू।